हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक मलाई पनीर बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये जितनी डिलीशियस है उतनी हेल्दी भी है, क्योंकि इसको पालक से बनाया जाता है। साथ ही में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे पकाने के बाद भी ग्रेवी का कलर बिल्कुल नेचुरल ग्रीन रहेगा। इसे आप पूरी, पराठा, नान या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक लिया था और उसकी जो पत्तियाँ हैं उन्हें अलग कर लिया है, और जो पीछे का पार्ट होता है डंठल वाला उसको निकाल देना है। इस सब्जी को बनाने के लिए ध्यान रहे कि जो भी पालक हम ले रहे हैं उनका कलर ग्रीन होना चाहिए। कई बार होता है कि पालक की पत्तियों का कलर येलोइश हो जाता है, वो हमको नहीं लेना है। केवल ग्रीन कलर वाली पत्तियाँ लेनी है और उनको अच्छे से 3 से 4 बार धोना है, क्योंकि पालक की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें डस्ट लगी रहती है, तो बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ और डस्ट इसमें ना रहे, इसके लिए 3 से 4 बार इसको वॉश करना है और पानी को निकाल देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसको बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसे मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पालक को अच्छे से धो लिया है। अब इसको गर्म पानी में डालेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको गर्म पानी में पकाएंगे। जो पानी हमने गर्म किया है उसको बॉयल नहीं होने देना है, केवल गर्म रखना है। फ्रेंड्स, अगर हमें ग्रेवी का कलर नेचुरल ग्रीन रखना है तो उसके लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी से जो पत्तियों का कलर है वो डार्क हो जाएगा। अब पानी को हम ड्रेन कर देंगे और पालक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो पत्तियों का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद में इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी से ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है और फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पालक का हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब इसके लिए जो पनीर हमने लिया है उसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है और उसको बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से पनीर के पीस रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पीसेस रखेंगे पनीर के तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने पनीर के पीसेस किए हैं। अब एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल गरम होने पर उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुआ 10 से 12 लहसुन की कली और एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 खड़ी लाल मिर्ची और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और इनको प्याज और लहसुन के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए उतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो कलर डार्क हो जाएगा, और जब इनका डार्क कलर हो जाएगा तो ग्रेवी में दिखाई देगा। केवल इतने ही कलर आने तक इन्हें पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे पालक का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे। प्याज लहसुन अच्छे से मिक्स हो गए हैं पालक के साथ में। अब इसको 1 मिनट तक स्लो आंच पर पकने देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच मिक्स वेजिटेबल मसाला पाउडर, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे ज़्यादा मसाले हमें यूज़ नहीं करने हैं। अगर ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे तो जो ग्रेवी है पालक की उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम से स्लो एडजस्ट करते रहेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद में ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीसेस जो हमने काट के रखे थे, और हल्के हाथ से इनको ग्रेवी के साथ में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि ये बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस बने, तो यहाँ पर जो पनीर हमने लिया है उसको फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट काट कर इसको ग्रेवी में ऐड किया है। इस तरीके से जो पनीर होगा वो सॉफ्ट होगा और मुंह में रखते ही घुलने लगेगा, इसका एक क्रीमी सा टेस्ट आएगा खाते समय। तो आप मेरे इस तरीके से पालक पनीर ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि वो कैसा बना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं अपनी न्यू रेसिपीज़ आपके साथ टाइम से शेयर करती रहूँ।
फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुकी है, अब हम इसको एक बार और चला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है गाढ़ी हो गई है, पनीर के पीसेज अच्छे से मिक्स हो गए ग्रेवी के साथ में। तो इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे क्रीम। मैंने यहाँ पर फ्रेश मिल्क क्रीम ली है, ये घर में बनी हुई क्रीम है जो दूध की मलाई से बनी है, और इसको इस तरीके से ग्रेवी में डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मलाई को ग्रेवी में मिक्स करते समय गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स पालक मलाई पनीर बनके रेडी हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप मेरे इस तरीके से एक बार पालक पनीर बनाते हैं तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने जो पालक पनीर बनाया वो कैसा बना है।